ये कार्यक्रम यद्यपि की आरंभ करने की घोषणा की औपचारिकता है, लेकिन हम उन सभी लोगों को समाहित करते हुए आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के लीगल सेल के चेयरमैन आनंद सिंगल जी से, जो अयोध्या से है, कि वो आए और आज के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करें और हमारे आज के मुख्य वक्ता को भी इंट्रोड्यूस करें। आनंद सिंगल जी प्लीज। थैंक यू। महाराज जी को प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम, हम सब की तरफ से, यूपी टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से, उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को कि ज्ञान ज्योति में मेरा सादर अभिवादन। आज हमारे मध्य पद्मश्री से सम्मानित श्री स्वामी भारत भूषण जी उपस्थित हैं। बड़े हमारे लिए गौरव की विषय है यूपी टैक्स पार के लिए कि हम चाहे सहारनपुर में रहे हों, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी आपको अवगत कराया, हमें आपका पूरा समय, पूरा मार्गदर्शन वहाँ उस समय मिला था, और आज पुनः जब हम वेबिनार के माध्यम से हैं तब भी आपको हमारा ये साथ मिलेगा आगे, हमें हमारा मार्गदर्शन आपका मिलेगा हमें आगे, हमें इसी पूरा विश्वास है। जैसा कि निर्देश हुआ है, पहले तो कायदे से ये था कि मैं आपका कुछ थोड़ा सा परिचय के रूप में दे देते हैं, कि विषय ये हुआ है कि विषय के बारे में पहले बोल देते हैं, फिर उसके बाद जो है आपके थोड़ा सा परिचय आवश्यक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मुझे अभी ये आदेश हुआ करीब आधे घंटे पहले ही विक्रम भाई की तरफ से कि थोड़ा सा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट को थोड़ा सा हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा, उसके बाद जो है ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट वास्तव में क्या है? एक्चुअली एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, ये कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये चीज विद्यमान ना रहती हो। जीवन के विभिन्न चरणों से हम गुजरते हैं, हम रहते हैं उसके अंदर, तो बस उसकी ग्रेविटी, उसकी डिग्री अलग हो सकती है, और उसके अंदर भी हम जो है कुछ ऐसे स्ट्रेस होते हैं जिनको बहुत आसानी से अपने अनुभव के आधार पर या अपने अनुभव या अपनी योग्यता के आधार पर या अपने शक्ति के आधार पर आप उसको डिवाइड कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिनका समय के साथ कुछ मार्गदर्शन आवश्यक होता है। ऐसे मार्गदर्शन में, ऐसे समय के लिए हम सबको आपकी आवश्यकता है, और इसके विषय में जो है ये एक्चुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है इसलिए भी आवश्यक है, ये आगे चल करके एक बीमारी का स्वरूप ले लेता है, जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि एक व्यापारी या एक क्लाइंट का एक सरदर्द रहता है या परेशानी होती है, कारण होता है, हम उन सब का कारण कम से कम जो है हर एडवोकेट्स के पास 100, 200, 500, 800 जो भी है वो क्लाइंट्स रहते हैं, तो उनका सरदर्द एक साथ हम लेकर के चलते हैं, जिसके मध्य हमें उसकी गंभीरता, गहनता, गोपनीयता और निवारण माध्यम का सुनिश्चित करना होता है। तो ऐसे में काफी हमारे साथ आपकी आवश्यकता है जिस समय हमें दें। स्ट्रेस मैनेजमेंट का संतुलन जो है ये काफी ज्यादा आवश्यक है, जो विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बड़ी अग्रणी भूमिका निभाता है। खैर, बहुत कुछ इस पर तो हर व्यक्ति समझ सकता है ऐसे विषय को, इसलिए आपका दिशा निर्देश हमें अपेक्षित है। और इसी के साथ मैं विक्रम भाई से अनुरोध करूंगा कि मैं कुछ विशेष बताऊं स्वामी जी के बारे में। आपके पास जो एक क्लिप है तो वो कृपया हम सबको, पूरे जो है पार्टिसिपेंट्स को अवगत कराएं उससे। धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी। वैसे पहले के स्वामी जी को बुलाओ, उनसे निवेदन करो, आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन है स्वामी जी का। 30 अप्रैल 1952 में स्वतंत्रता सेनानी व राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त पंडित बिशंबर सिंह व वीरांगना माता रामकली देवी के यहाँ जन्मा एक बच्चा। शुरू से ही योग, यज्ञ, स्वास्थ्य सेवा व परोपकार का रुझान लिए था। तरुणाई में उसे सिनेमा नहीं, संत ही भाए। 16 साल की उम्र में उसके लिए राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा, यू हैव प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सर्विस टू गॉड, कंट्री एंड योर फेलो मैन।
आई विश यू गॉड स्पीड। इसी छोटी उम्र में पाक छाताधारियों को पकड़वाने में इस तरुण की बहादुरी को फील्ड मार्शल जनरल सैमुअल मानिकशॉ ने सम्मानित किया। सेना व पुलिस के प्रति आकर्षण व अभिनय के शौक भी इन्हें अध्यात्म व अभ्यास से विमुख न कर सके, क्योंकि इन्हें तो गुरु ही बनने के लिए रचा गया था। इनका व्यसन पतंजलि, दयानंद, विवेकानंद, कबीर सरीखों से दोस्ती और बजरंग बली की सेवा ही रहा, जिसने इन्हें फौलादी जिस्म के दिल्ली श्री, अर्जुन व प्रताप श्री, हिमाचल श्री, भारत श्री जैसे खिताब और योग सेवा का धर्म दिया। मात्र 21 साल की आयु में 1973 में मोक्षायतन योगाश्रम की स्थापना करके इन्होंने स्वयं को अपने असंख्य शिष्यों में घोल दिया। योग गुरु स्वामी भारत भूषण मात्र 39 वर्ष की आयु में योग साधना के क्षेत्र में राष्ट्रपति से पहला पद्मश्री सम्मान पाने वाली विभूति है। इन्हें CCS यूनिवर्सिटी से मानद डीलिट उपाधि भी प्राप्त है। गृहस्त सन्यासी के रूप में विख्यात गुरुदेव ने 1990 से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत करके योग का संदेश करीब 60 से अधिक देशों तक पहुंचाया। योग साधना के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पुलियान इंटरनेशनल क्लब चाइना द्वारा ग्लोबल जेम ऑफ योग, जी न्यूज व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवध सम्मान व लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साथ ही एम्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए और इंडिया टुडे द्वारा 2011 में इन्हें भारत के 50 ऊंचे और असरदार लोगों में शुमार किया गया व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स ने इनके व्यक्तित्व पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई। गुरुदेव ने अनेक मंत्रालयों, प्रशासनिक व पुलिस अकादमियों, सेना व पैरामिलिट्री फोर्सेस, विश्वविद्यालयों आदि में विशेषज्ञ के रूप में योग शिक्षा की शुरुआत की। महामहिम राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व गवर्नर समेत देश विदेश की अनेक विभूतियों ने मोक्षायतन योग संस्थान पहुंचकर उनके योग व समाज सेवा अभियान को सराहा। गुरुदेव ने योग केंद्र, जिम्नेजियम्स, स्कूल, कॉलेज की स्थापना के साथ साथ लोक कल्याण के लिए 1990 से मानवता की भेदभाव रहित सेवा के लिए लाइव ब्लड बैंक की शुरुआत करके युवा शक्ति को देश व मानवता के लिए उपयोगी बनने की दिशा दी। गुरुदेव के अनेक शिष्य आज अनेक देशों में भारतीय योग का परचम लहराने के साथ साथ योग व अध्यात्म द्वारा एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में कायम रहे हैं। भारतीय योग की मौलिकता को सुरक्षित रखने के लिए इनके द्वारा आरंभ किया गया भारत योग आज विश्व भर में व्यापक रूप ले चुका है वह भारत योग पर 32 से ज्यादा टीवी शोज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स पर प्रसारित हो चुके हैं। योग गुरु होने के साथ साथ वंदनीय गुरुदेव एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, पिता, मित्र, दादा व नाना के रूप में भी स्वयं में एक मिसाल है। ओम गुरुवे नमः। इन छोटे से एक क्लिप के साथ आप सभी को हमारे गुरुजी का एक संक्षिप्त सा परिचय अवश्य देना होगा। आइए अब ज्यादा पीछे रहते हैं, गुरुजी आप आए और धन्यवाद। आपको आवाज आ रही है गुरुजी, तो आप माइक अनम्यूट कर दिए गए। उत्तर प्रदेश टैक्सेशन बार एसोसिएशन के बहुत बड़े परिवार के बीच में आज अपने आप को पुनः पाने का सौभाग्य मैं ले रहा हूँ और इसके लिए टैक्सेशन बार एसोसिएशन और परमेश्वर दोनों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। एक बड़ी प्यारी सी सूत्र मुझे भी ध्यान आया, क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। ये जो परिवर्तन है ये जीवन की खूबसूरती है। आप और हम जो लोग बैठे हुए हैं, शायद हमारी पीढ़ी वो भाग्यवान पीढ़ी है जिसने तरह तरह के बदलाव को देखा है, चाहे वो स्वच्छता अभियान को लेकर के है, चाहे वो राष्ट्रीय प्रगति को लेकर के है, चाहे वो वैज्ञानिक शोधों को लेकर के है, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड्स के परिवर्तन हैं, बदलाव हैं, बहुत सारी चीजें। और यह कहिए कि भारत का हमारे से बढ़ता हुआ स्वाभिमान है। प्रकृति में जो बदलाव आते हैं उन्हीं की वजह से उसकी खूबसूरती है,
और जो जीवन में बदलाव आते हैं उन्हीं की वजह से जीवन की खूबसूरती है। जीवन को रसमय कहा गया है क्योंकि सरति इति रस है, जो सरकता रहे, आगे चलता रहे, चलायमान रहे, गतिमान रहे, वहीं पर रस है। आज हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से भी वार्ता का, संवाद का एक रूप हम लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे समस्याओं के समाधान है, चाहे मार्गदर्शन है, चाहे उपचार है, यहां तक के युद्ध तक अब आगे डिस्टेंस के साथ ही हमें दिखाई दे रहे हैं होते हुए। जब बदलाव आता है तो उसमें स्वाभाविक है कि हमें अपने आप को एकोमोडेट करने में कुछ चुनौतियां लेनी पड़ती हैं, और इस चुनौती को ही हम आनंद भी कह लेते हैं, और कुछ लोगों के लिए जो उस के लिए अपना नजरिया विकसित नहीं कर पाते हैं उनके लिए वो चुनौती ही स्ट्रेस का, तनाव का, एंग्जाइटी का कारण बन जाती है। कोई नई चीज तो है नहीं, क्योंकि आपके पास वो स्वभाव है और वो ऊर्जा है, वो चिंतन की क्षमता है कि आपने एक सूत्र लिया हुआ है, मैं भी उसमें शामिल हूं, और वो सूत्र क्या है कि कुछ तो किया कर, कुछ तो किया कर, कपड़े फाड़ सिया कर। यानी समस्या अगर नहीं है तो समस्या पैदा करो, उसको सुलझाओ, और सुलझाने की क्षमता आपके अंदर है, इस चीज की एक चैंपियंस फीलिंग अपने अंदर डेवलप करो। दुनिया में गोरख धंधा कह देते हैं, क्योंकि ये गोरख धंधा गुरु गोरक्षनाथ से शुरू हुआ, जो योग के भगवान शिव के समकक्ष गुरुओं में माने जाते हैं और हम उनकी उपासना करते हैं। गोरक्ष नौमिकम देवम योग मार्ग प्रदर्शकम यत कृपा लव मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। गोरखनाथ वो हैं, आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो गोरख पीठाधीश्वर ही हैं, योगी भी हैं और वो दिशा देने के लिए आए हैं। कोई नई बात नहीं है, चाणक्य ने अपने समय में, जो कि एक तपस्वी थे, एक शोधकर्ता थे, एक शिक्षक थे, आध्यात्मिक महामानव थे, मैंने जितना चाणक्य को देखा जाना, लेकिन उन्होंने दुनिया को संभालने के लिए प्रैक्टिकल फील्ड में आकर के प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट ली चंद्रगुप्त के समय में। कृष्ण तो योगेश्वर हैं, उनको आकर के देश को दिशा देनी पड़ी महाभारत करा करके, का महानायक बन करके। आज भी हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, एक आदमी जिसको इस विषमतम चुनौतियों में भी एकांतवास करना अच्छा लगता है, एक आदमी जिसको सारे संघर्ष करने के बाद फिर जाकर के आइसोलेशन में बैठना बद्रीनाथ धाम में अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक मामला नहीं, इस बीच में भी राजऋषि टंडन जैसे व्यक्ति हुए, डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे व्यक्ति, यानी जो शुद्ध वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे, नक्षत्रवेत्ता थे, योग के महान विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये विद्या किस काम की अगर हम इसको अप्लाई ना करें। और अप्लाई कहाँ होता है? चुनौतियों में। इसलिए मैं अक्सर अपने डिस्कोर्सेज में, अपने शिविरों में, देश में और देश से बाहर भी, ये बात बड़े दमखम के साथ कहता हूं कि योग दुनिया छोड़ करके, संसार को छोड़ करके, बाहर पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये विषमतम परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि ये वो जीवन शैली है जो विषमतम परिस्थितियों में सहजतम तरीके से जीने का रास्ता हमें दे देती है। स्ट्रेस, आप तो अभी महाभारत सीरियल
सब लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हम लोग सभी अपने आप को घरों में बंद किए हुए हैं। वहां पर आप लोगों ने देखा है इस चीज को कि किस तरह से उस युग में, द्वापर युग में भी आकर के ऐसा तनाव, और उस दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर के लिए, महान योद्धा के लिए, कि वो वार फील्ड में आकर के हथियार छोड़ करके बैठ जाए, लेकिन वहां भी उसको रास्ता दिया तो योग ने दिया। तनाव, कुंठा, दबाव, एंग्जाइटी यानी बेचैनी, ये सब चीजें ऐसे हैं जैसे सगी बहनें हैं, सारी की सारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि आज के युग में मुझे सेना के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, और आज तो आप देख रहे हैं आपके अधिवक्ताओं के साथ इस टॉपिक पर काम करने का मौका मिला है। और इसलिए नहीं कि मैं कुछ नया आपको देने जा रहा हूं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि जो आगे की तरफ की दौड़ है उसमें अक्सर हम अपने दौलत को, भविष्य में हम क्या बनना चाहते हैं, वो हमारी जो कल्पनाएं हैं उसको हम, उससे हमारे वर्तमान को हमारे हाथ से छीन लेती है, हम उसका आनंद नहीं ले पाते। आपकी विद्या है योग, आपकी जीवन शैली है अपने अंगों को परिविषम परिस्थिति में समेट लेना और फिर सही समय पर अपनी ऊर्जा का पूरा भरपूर प्रयोग करना, आपने दुनिया को सिखाया है। और भगवान मनु कह रहे हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्वीव्या सर्व मानव। ऐसा नहीं कि आज पहली बार दुनिया के लोग आपके योगी प्रधानमंत्री से, आपकी सैन्य शक्ति से, आपके वैज्ञानिकों से, आपके अध्यात्मवेत्ताओं से, आपकी वीरांगना नारियों से सीख रहे हों, नहीं, हमेशा से ऐसा हुआ। और फिर योग और अध्यात्म ये सिखाता है कि हम किसी की मौलिकता को खराब नहीं करते हैं। स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीव्या सर्व मानवा, यानी अपने अपने तरीके से जो जिस देश, क्योंकि देश काल परिस्थितियां डिफरेंट होती हैं, और विद्या वो है जो उन परिस्थितियों में उनको वो रास्ता सुझा दे कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो हमें अज्ञानता से, दुखों से, कुंठाओं से, विक्षिप्तता से बाहर निकाल दे। तो सही समय पर तब भी मार्गदर्शन दिया गया, मध्यकाल में भी दिया गया, आज भी आप दे रहे हैं। आज इस कोरोना के महामारी में, जबकि दुनिया क्रांत है इससे, दिव्वल है इससे, वो देश जो तकनीकी रूप से बहुत एडवांस हैं, जो संसाधनों के हिसाब से बहुत एडवांस हैं, जो समृद्धि के हिसाब से भी अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, वहां पर इसका प्रकोप सबसे ज्यादा हुआ है। चाहे वो चीन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ब्रिटेन है, और दूसरे जर्मनी को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, फ्रांस को, सब जगह। लेकिन इतनी बड़ी संख्या, 135 करोड़ देशवासियों का देश, इतने तरह तरह के चिंतन, इतने गहरे राजनीतिक स्वार्थ, और कई बार तो आस्थाएं भी, तो इस सब लोग देशभक्त होने चाहिए, हम सोचते भी यही है कि हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोगों की सहानुभूति अन्य मुल्कों के साथ भी देखने को आती है, चाहे वो छद्म देश में ही यहाँ रह रहे हैं। लेकिन उतना के बाद भी भारत आज भी कोरोना के विजेता के रूप में दुनिया में स्थापित हुआ है, और 20 देश आज सलाह मांग रहे हैं भारत से, टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं भारत से, सहायता मांग रहे हैं भारत से। और सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक रास्ता है, योग का रास्ता है, मैं आजकल इस पर ही काम कर रहा हूं कि किस तरह से, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस का कैप्सूल डेवलप नहीं हुआ है, कोई इसके लिए वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि सहारनपुर से
अभी घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन संभवतः योग का ही एक कैप्सूल यहाँ से हम दे पाएंगे कि जो देश और दुनिया में अप्लाई होगा। लेकिन हर व्यक्ति ये कहता है कि ज्ञान मेरे पास है, और हर किसी के पास है भी, देश पर तो है ही, देश के पास तो है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत पास में भी, हर किसी के घर में गीता है, हर कोई सीडीज और जिसको कहना चाहिए हार्ड डिस्क में बहुत कुछ लिए हुए बैठा है, सॉफ्टवेयर के रूप में बहुत कुछ लिए बैठा है, लेकिन वो सारा का सारा ज्ञान और ज्ञान की जो आप धरोहर हैं, जिससे हमें मिली है, हमारे दादा, हमारी माँ, हमारे पिता, वो भी घर में है, लेकिन हम लोगों के पास समय नहीं है। जब चुनौती आती है तब हम सोचते हैं कि टॉर्च कहाँ रखी थी, जब चुनाव अंधेरा आता है तब हम सोचते हैं कि हमें साधन कहाँ से प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये भी कम सौभाग्य की बात नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो बिल्ली को देख करके ऐसे कबूतर हैं जो आंखें बंद कर लेते हैं, और कबूतर अगर बिल्ली को देख करके आंख बंद कर ले तो फिर उसके भविष्य का फैसला तो बिल्ली ही करती है, कबूतर वहां कुछ नहीं कर पाए। तो इसी तरह से भाग्यवान है वो लोग जो समस्या आने पर ये सोचते हैं कि नहीं, इसका विकल्प होना चाहिए कोई ना कोई, और इसको हमारे दर्शन में, भारतीय फिलोसफी में कहा गया है प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति कि जैसी परिस्थिति आई उस समय हमारी मति काम कर जाए, और जो हमारे पास स्टोर्ड एक्सलेंस है, चाहे वो हमारे शेल्फ में है, चाहे वो हमारे कंप्यूटर में है, चाहे वो हमारे इस पूंजी में है जहां पर सब कुछ स्टोर हमने कर रखा है, उस समय पर निकल आए और हम उसका उपयोग करें। आज मैं आपको बधाई दे रहा हूं इस बात के लिए कि आपने ये सोचा, क्योंकि रोज की जिंदगी में आपको ये सोचने की फुर्सत नहीं होती, जरूरत तो लगती है, लेकिन ये लगता है अभी आपने बताया कि 500, 600, 700, 800 फाइलें आपके पास रखी हुई हैं। दुनिया अपना दर्द आपको दे करके बेफिक्र हो जाती है ये सोच करके कि आप तो वकील साहब देखेंगे, और ये वकील साहब देखने का काम आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमेशा से। जिस समय हनुमान जी वकील के रूप में पहुंचे लंका में, जिस समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण वकील के रूप में पहुंचे अपने पक्ष को लेकर के धृतराष्ट्र की सभा में, बेफिक्र हो गए पांडव लोग कि कृष्ण जी देखेंगे। तो आज आप भी कृष्ण ही हैं, और हमारे यहाँ तो जो षड दर्शन है उनमें न्याय एक अलग इंडिपेंडेंट दर्शन है, आपने काफी लोग संभवतः जानते होंगे, लेकिन अब ज्यादातर अगली पीढ़ी कम जानती है इसको। अगर कुछ जानना हो तो वो गूगल गुरु के पास जाती है बजाय मोक्षायतन वाले गुरु जी के पास आने के, उनको लगता है कि इस समय हाथ हाथ मिल जाए मुझे, वहां जाना भी ना पड़े, बिना पुरुषार्थ के हम प्राप्ति करने के आदि हो गए हैं। तो उन षड दर्शनों में जहाँ सांख्य है, जहाँ वैशेषिक है, जहाँ वेदांत है, जहाँ योग है, वहां पर न्याय भी एक दर्शन है, और न्याय दर्शन आपके हाथ में है। तो आप प्रोफेशनल्स, आपको कह दिया जाए, लेकिन मैंने चाहे गांधी को देखा, चाहे मैंने चाणक्य को देखा, चाहे मैंने कृष्ण को देखा, मैंने देखा कि ये लोग जो हैं वो एडवोकेसी का काम वही कर सकते हैं जो दूसरे के पीड़ा को गहराई से समझ सकते हो, और साथ में उसको एक न्यायिक व्याख्या, देखने में न्याय करते हैं हमारे न्यायाधीश, न्यायाधीश निरक्षीर विवेको ही न्यायाधीशो विशोभते, लेकिन उतने के बावजूद भी वो फैसला करते हैं, न्याय की जो व्याख्या है वो हमारे अधिवक्ता ही करते हैं। तो आप सब लोगों का बोझ अपने ऊपर लेकर के जी रहे हैं, एक व्यक्ति अपने तनाव में कुंठित हो जाता है, आप तो बहादुर हैं, 700-800 लोगों का तनाव लेकर के भी आप मुस्कुरा करके बात कर रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ जो इसके लिए उपाय है, निदान है, वो खोजने के लिए लालायित हैं। इस समय क्योंकि ये फुर्सत का समय है, तो इस फुर्सत के समय में चुनौती तो भले ही बड़ी हो, लेकिन फुर्सत में इसलिए कह रहा हूं कि लाइफ शैली बदल जाने की वजह से आप अपने आप को कुछ हद तक आजाद महसूस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इसमें हम वाई नॉट टू रिजुविनेट आवर सेल्फ, हम शरीर से दोबारा से बेहतर हो जाएं, हम
मन मस्तिष्क से बेहतर दोबारे से संतुलित हो जाए। हमारा जो अध्ययन जिसको पढ़ने के बाद हमने लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री हमको मिली थी, उन किताबों को जरा एक बार फिर से पलट लें ताकि हम एक नई ऊर्जा के साथ फिर से अपनी व्यवस्था में जंप लगाएं, फिर से एक व्यवहारिक जगत में कूद करके अपना काम करें। दो तीन चीजें मैं आपको खास तौर से बता सकता हूं क्योंकि ये चर्चा है। जो स्ट्रेस है या टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो ये है क्या? सच्ची बात तो ये है कि ये कुछ कर गुजरने की क्षमता है। अगर आपके पास में कुछ कर गुजरने की क्षमता ना हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ भी बेचैनी एंजाइटी नहीं। लेकिन ये हो क्यों जाती है? ये होती है इसलिए कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। अगर बहुत अच्छे जो हमारे हथियार हैं, चाहे परंपरागत तरीकों में तलवार बल्लम रहे हों, और ये आज हमारी बंदूकें और तोपें हैं, और भी अब तो बड़े बड़े हथियार आ गए, अगर उनको हम रेगुलर एक्सरसाइज में इस्तेमाल ना करें तो वो हथियार मोर्चे के दिन सही समय पर जिस समय हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसी दिन वो हमको धोखा देते हैं। ऐसे ही हमारे अपने लिए है कि अगर हम अपने जीवन सूत्रों को फौरी चीजों को जिसको कहते हैं मतलब क्षणिक जिम्मेदारियां हैं उनकी आड़ में भुला दें तो फिर जिस समय हमें उनकी जरूरत होती है तब हम परेशान हो जाते हैं। दो तीन काम आप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो है बोझ तले दब जाना, यानी दबाव मानना। कैसे आप कहें स्ट्रेस दबा हुआ, ऐसे दबा हुआ कब महसूस करते हैं? जब हम कहीं अपने आप को कमजोर पाते हैं। फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस भी होता है। और अगर हमारे पास मैंने तो क्या अब हम तो क्योंकि इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय में आयुष मंत्रालय में डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं पैकेज हैं उनके साथ हम लोगों को इकट्ठे बैठना पड़ता है, नए नए प्रयोग करने का मौका ले रहे हैं हम लोग, लेकिन उसमें ये देखने में आता है कि उसको हमने डिफाइन किया कि अगर स्ट्रेस ना हो तो आप कुछ भी ना करें। इसीलिए जो कुछ कर गुजरने की ताकत है उत्साह भरी उसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं। चुनौती है, एक चुनौती वो है जिसके नीचे हम दब गए, एक चुनौती वो है जो हमने दूसरे को दे दी, वो लेने के लिए भी हमें स्ट्रेस लेना पड़ता है। तो स्ट्रेस को पहली चीज तो ये कि इसको अभिशाप ना समझें, इसको वरदान समझें, और उसमें जो अपने उस स्ट्रेस को झेलने वाली, चाहे वो नेगेटिव स्ट्रेस है चाहे पॉजिटिव है, दोनों को ही झेलने की ताकत चाहिए। अगर आप झेलने की ताकत नहीं रखते हैं तो फिर वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मरना चाहूंगा, यानी खुशी हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। 1 करोड़ की लॉटरी है, हो गया काम है। दूसरा ये है कि इतनी बड़ा नुकसान, रिलैक्स, जरा सोचो जब पैदा हुआ था तो मेरे पास अंडरवियर भी नहीं था, मैंने अपने विवेक का, अपने ईश्वर के द्वारा दिए हुए समय का, ऊर्जा का पूरा उपयोग किया तो आज मैं महलों में रहता हूं, क्या परेशानी है? यानी वहां भी हमें संभलना है जहां नेगेटिव स्ट्रेस है, और यहां भी संभलना है जहां पॉजिटिव स्ट्रेस है। कुल मिलाकर के ये है कि योग की शरण में इसलिए आना पड़ता है क्योंकि ये हमको आपे में रहना सिखाता है। हम आपा जहां भी खो देंगे, सफलता में खो देंगे, उत्साह में खो देंगे, उन्माद में खो देंगे तो वहां भी हम मरेंगे, और हम नकारात्मक परिस्थिति में घिरे हुए हताशा की अवस्था में आपा खो देंगे तो वहां भी मरेंगे। जो आपे में रहता है वो स्यापे से बचा रहता है। तो हम लोग क्या करें? क्योंकि चर्चा तो मैं और बहुत लंबी भी कर सकता हूं क्योंकि ये विषय है मेरा, लेकिन आप इस उम्मीद से आए होंगे कि कुछ टिप्स ऐसी जो हम घर बैठे इस परिस्थिति में आराम से कर सकें और वो जेन्युइन हो
और उनका हमें श्योर शॉर्ट बेनिफिट मिले, वो आप कर सकते हैं। उसमें पहला काम याद रह जाएगा, पहला काम है किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही स्ट्रेस से बाहर रहने का तरीका। एक सूत्रों में भी कहते हैं इसको, ना सुख कीजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसी तृष्णा रोग गया, न सुखम देव राजस्य न सुखम चक्रवर्ती न यत सुखम वीत रागस्य मुनरे कांत शालिन। यानी अलूपनेस जिसको हम कहते हैं कि आप करो और कर करके उसके बाद साक्षी भाव में आ जाओ। विड्रॉ करने की टेक्निक हमें आनी ही चाहिए। मैं तो ये जितने योग के गुरु हैं उनको मैंने गांव के जो जनजीवन आम जनजीवन है बुजुर्गों की बातें उनमें से खोजने की कोशिश की। बचपन में कहा करते थे घुस में आग लगाए जमा लो दूर खड़ी, यानी चिंगारी फूंक दी दुनिया लड़ रही है और वो बाहर बैठ करके सोच रही है देख रही है तमाशा। कृष्ण यही तो करते थे, उनके पास क्या था, सुदर्शन चक्र, पूरा महाभारत चाहे सेना है चाहे महानायक है कितने बड़े बड़े छत्रप हैं वो सब के सब तनाव में है, लेकिन जो उसका सूत्रधार है कृष्ण वो अकेला वो ही है जो मुस्कुराते हुए सुदर्शन जिन्हें देखने को मन करता है। जब भी वो आते हैं सामने तो कहता है कृष्ण को जरा एक बार फिर से देख ले, क्यों उन्हें देख करके तो भीष्म पिता में भी अपना फैसला बदल बैठे। आज जो हरि ही शस्त्र ना कहा हूं तो ला जाऊं गंगा मैया को शांतनि सुत न कहा, यानी ये उन्होंने कह दिया था, लेकिन कृष्ण का जो सुदर्शन है उसके सामने वो भी हाथ जोड़ रहे। तो ये जो सुदर्शन है यानी योग का है जो ये कह रहा है कि एक बार को अलूप होने का अभ्यास हमको करना चाहिए, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में साक्षी भाव कह देते हैं और आपकी भाषा में आज की मॉडर्न भाषा में कह देते हैं ऑब्जर्वर, कि हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, वी आर ऑन लुकर्स, वी आर नॉट द पार्टिसिपेंट्स। जब हमने कर दिया निष्काम कर्म योग यही है कि जब तक कर्म है हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है, पत्नी के प्रति जिम्मेदारी है, हमारे क्लाइंट के प्रति जिम्मेदारी है, हमारी न्याय की जो हमारी रोजगार है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारी एसोसिएशन के प्रति जिम्मेदारी है, देश के प्रति जिम्मेदारी है, धर्म के प्रति जिम्मेदारी है, तब तक हम जूझेंगे और उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के बाद रात को ऐसे सोएंगे जैसे माँ की गोद में सो जाते हैं। परमेश्वर की गोद में प्रभु तूने मुझे जितना नचाया मैंने नाच दिया, अब मुझे तो आराम दे। और इसीलिए इसको आराम शब्द दिया गया है, आराम। ओ लॉर्ड कम एंड टेक पोजीशन ऑफ मी, नाउ आई फेल, नाउ आई सरेंडर। आपकी व्यवस्था आपकी है, मैं तो टूल हूं, मैंने और क्या करना है इसमें। तो एक तो ये साक्षी भाव लेना, दूसरी चीज हमारे पास सरप्लस एनर्जी होनी चाहिए। साक्षी भाव के लिए आप कह रहे ले तो लेंगे लेकिन कैसे लेंगे, फिलहाल तो उलझे हुए हैं। तो उसका अच्छा तरीका हमारे यहाँ होता है कि या तो जप का सहारा हम लेते हैं, संकीर्तन का सहारा लेते हैं, ध्यान का सहारा लेते हैं। अब तो आप भारत योग यूट्यूब चैनल पर जाइए तो दुनिया भर की बहुत सारी वहाँ पर अनुभूत आपको मटेरियल मिल जाएगा कि कैसे हम आत्मदर्शन ध्यान करें, कैसे हम संख्या ध्यान करें, कैसे हम सूर्य ध्यान करें, कैसे हम चंद्र ध्यान करें। अगर स्ट्रेस जो है नेगेटिव वाला है तो उससे मिलने के लिए हम चंद्र ध्यान करेंगे, अगर हम जो है सॉरी सूर्य ध्यान करेंगे, और अगर हम जो है पॉजिटिव वाला है तो हम शांति के लिए उस समय हम चंद्र ध्यान करेंगे। ब्लड प्रेशर स्ट्रेस अपने आप में तो कोई बीमारी है नहीं, ठीक ऐसे ही जैसे डायबिटीज अपने आप में तो कोई बीमारी है नहीं, लेकिन वो अनेक अनेक जानलेवा बीमारियों की माँ है। स्ट्रेस भी वही चीज है, वो भी चंगा अच्छा खासा भला आदमी एकदम से ऐसा बल्ब फ्यूज होता है कि उसके अंदर जैसे मणिविहीन सांप हो जाए, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। और उस व्यक्ति का परिणाम क्या होता है, जो हमारा अध्ययन बताता है कि जो स्ट्रेस व्यक्ति है वो व्यक्ति या तो मतलब उसकी परिणति जो क्लाइमेक्स है वो ये है कि या तो आत्महत्या कर लेगा या वो दूसरे की हत्या कर देगा। यहाँ तक इसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए हम
जो तरीका निकला कि हम एक निश्चित समय पर अपने साथ बैठने का अभ्यास डेवलप करें। मैं नहीं कह रहा अभी कि कोई टेक्निक आप अपनाइए, केवल एक समय पर कि मुझे सुबह को 5 बजे अपने साथ बैठना है उस समय। और मजे की बात है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम बाहर कुछ ढूंढो, किसी मंत्र का सहारा लो, मत लो उतनी देर के लिए, सिर्फ अपने आप को देखो। जब अपने आप को देखने के लिए आप 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बैठेंगे, तो आप पहले तो ये जानेंगे मैं अपना आप मेरा है क्या। बाहर वाला रूप दिखाई देगा जो यहाँ पर सफेद कपड़ा लगा करके काला कोट पहन करके होता है, जो लोगों के सामने रखते हैं, जो हमारे साथ है। फिर ये आएगा कि नहीं, ये वाला तो रूप मेरा नहीं है। यानी आप चलते चलते अपने श्वास के पास आ जाएंगे, अपने आप ही फिर अपने अस्तित्व के ऊपर आ जाएंगे, और ऐसे चलते हुए आप अपना महसूस करेंगे कि मैं बहुत शांत हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप उलझे हुए हैं, हर चीज हर परिस्थिति आपको अपनी तरफ खींच रही है, आपका एनर्जी लॉस हो रहा है उसमें, आपकी जितने स्नायु हैं वो तने हुए हैं उस समय। और जैसे ही आप अपने पास बैठेंगे उस समय, जो दिन भर में आने वाले करीब 74,000 विचार हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, आपका जो मस्तिष्क है वो रिलैक्सेशन में चला जाएगा, टिश्यूज का रिकवरी प्रोसेस बढ़ जाएगा, और उस समय स्वाभाविक रूप में जब आप उस समय से यानी 10 मिनट के बाद में उठेंगे तो यू विल बी चेंज्ड पर्सन। दूसरी बात है ऊर्जा ग्रहण करना। ऊर्जा ग्रहण करने के लिए आपको जो ऊर्जावान है उनके पास जाना पड़ता है। जैसे मुझे अपनी समस्या के निदान के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है, तो ऐसे ही जब ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा का जो अजस्र स्रोत है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, तो सूर्य के सामने थोड़ी देर के लिए जरूर जाइएगा। आप घरों में हैं, टेलीविजन के सामने तो आप घंटों बैठ जाते हैं, लेकिन सूर्य के पास जाने के लिए समय नहीं है, तारों के पास जाने के लिए समय नहीं है। जरा देखें कि इस प्रदूषण मुक्ति ने कितना हमको सुंदर बनाया है, अब हमारा आसमान कैसा हो गया है, अब हमारा सूर्य कैसा हो गया। सूर्य के सामने जाएंगे और दर्शन कहता है कि जठरे धारयाम्यहम, हम कि मैं सूर्य को जठर में धारण करता हूं, तो सूर्य को की ओर मुंह करके बैठेंगे तब आप सूर्य को जठर में धारण कर सकेंगे, और उसका प्रणाम उन्होंने करें ऐसा, क्योंकि आप तो वकील हैं, आप कहेंगे कि प्रयोजन मनोदृश्य मंदोपी ने परिवर्तित, बिना उद्देश्य के क्योंकि मूर्ख भी काम नहीं करता, मैं क्यों करूं, क्यों करूं जी मैं ऐसा। तो हम कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्य हम। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है सूर्य, सर्वव्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियों का, जो भी मैंने कहा ना बीमारियों की माँ है, तो इनका इनकी इनको नष्ट करने का साधन वहां पर है, और इसलिए वो अमृत है और उसको मैं जठर में धारण करता हूं। तो सूर्य की एसोसिएशन सुबह को आप करें, और उस समय जब जठर में धारण करें तो एक काम, क्योंकि खाली बैठेंगे वहां पर थोड़ी देर के लिए, तो वो काम करिएगा जिसमें अपने सांस को देखिएगा। श्वास आपका मेरा सबसे कीमती चीज है दुनिया में, यानी दुनिया में हमने जितना भी कमाया, किसी ने लाखों कमाए, किसी ने करोड़ों कमाए, किसी ने अकूत संपदा कमा दी। हम तो करोड़ों इसलिए कहते हैं क्योंकि करोड़ हमारे समय में तो बहुत बड़े, हमने कभी हाथ में लेके नहीं देखे करोड़, कितने सोचते हैं शायद करोड़ बहुत ज्यादा होते होंगे, लेकिन अकूत भी है किसी के पास। लेकिन उस सारी अकूत संपदा को खर्चने के बाद भी एक सांस आप खरीद नहीं सकते, तो कम से कम उस दौलत को, जैसे आप कभी कभी अपना बैंक बैलेंस की कापी खोल के देखते हैं, ऐसे ही कभी कभी अपनी इस बैलेंस को भी देखें जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, तो उसके साथ जब आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे इसको हम कैसे लेना चाहिए, वो हम सीखेंगे। श्वास के साथ जुड़ने का मतलब है, आप ये इतना मान आज सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं सिखा तो नहीं सकता हूँ, मैं साझा कर सकता हूँ, क्योंकि सीखना ना सीखना तो व्यक्ति के अपने हाथ में है, वो सीखना चाहता भी है नहीं, वो ऐसा है पानी में भी वो पॉलिथिन पूरा ओढ़ करके घुसता है कि मुझे भीगना ही नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा, तो समंदर क्या कर लेगा। तो इसलिए उस समय आप अगर करना चाहते हैं तो ये करें कि सांस जो आपका है, मैं सामान्यतया आप जो अभी सांस तक कर रहे हैं, मेरे से बात भी चल रही है और सांस भी चल रहा है आपका, कोई भी रोक करके बैठा हुआ नहीं है उसको, तो जब हमारा सांस चलता है तो आप देखेंगे कि एक सांस में, एक मिनट में आप औसतन 25 सांस यानी 22 से 25 सांस लेते हैं, का मतलब आना जाना मिला करके एक सांस मानता हूं, तो 22 से 25 सांस आप लेते हैं,
तो इससे क्या है, आप सिर्फ जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर आप एनर्जी को सर्कुलेट करना चाहते हैं तो आप सूर्य के सामने बैठे और आप पूरा सांस नाभि तक, यानी जब सांस भरें तो पेट आगे को हो जाए और जब सांस छूटे तो पेट जितना हो तरफ हो जाए, यानी जैसे खाने के लिए मुंह खोलते हैं और पचाने के लिए मुंह को बंद कर लेते हैं, तो ऐसे ही जब एनर्जी लेनी है सूर्य से तो नाभि को फैल जाने दीजिए और जब सांस छूट रहा है तो उसको अंदर सिकोड़ दीजिए, तो आप मुश्किल से एक मिनट में 7-8 बस इससे ज्यादा सांस नहीं ले पाएंगे, यानी लगभग 15-18 सांस प्रति मिनट आपके बचेंगे, आपकी लाइफ फोर्स बढ़ेगी, आपका ग्लो बढ़ेगा, आपकी जो सिस्टम्स हैं वो रिजुविनेट हो जाएंगे, इम्यूनिटी आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। कितनी छोटी छोटी सी बात है, तो आप इसको करिए। पहली बात मैंने कही कि आत्मदर्शन के लिए थोड़ी देर बैठने का अपने सुविधा के अनुसार, जिसमें आपको कम से कम बाहरी हस्तक्षेप हो वो समय लीजिए। दूसरी चीज मैंने बताई कि आप पूरा सांस लेने का अभ्यास, खास तौर से कई बेनिफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के सामने बैठेंगे तो ऐसा करने से उदीयमान सूर्य के सामने बैठेंगे, क्योंकि सूर्य के सामने बैठना ही का मतलब यह है कि या तो उदीयमान या अस्ताचल की ओर बढ़ता हुआ, अस्ताचल की ओर बढ़ता हुआ जो सूर्य है, मतलब उसका जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है, इसलिए राइजिंग सन को ही महत्ता दी गई है, उसमें नेचर हमारी मदद करती है। उस समय बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि आप शोधन तो आधा हो ही चुका होगा, आपका पेट भी खाली होगा, आपका जो है ये भी तनाव मुक्त होगा, तो उस समय जो है बढ़िया है। तीसरी चीज आप ये करें कि आहार जो है वो इसलिए मत खाएं कि लोग कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे इसकी जरूरत है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो अच्छा है कि मत खाइएगा। मैं ऐसा नहीं कि आदत मेरी है, मैं एक समय जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तो मैं 3 बार भी भोजन करता था और खूब अच्छे से करता था, अब भी अच्छे से करता हूँ, लेकिन तब भी आमदनी खर्च का हिसाब रखता था, अब भी रखता हूँ, तब भी मेरा वजन जो है 68 किलो के आसपास रहता था, अब भी मेरा वजन रहने का उतना ही है। तो इस समय जो भोजन है वो उसके सिलेक्शन ठीक से करिए, और जब भूख नहीं है मैं एक समय भोजन करता हूँ, और ये बात हो गई है लगभग 50 साल हो गए इस बात को, तो लेकिन मैं शायद ठीक सा ही लगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ऐसा नहीं कि मैं मन मार करके भूखा रहता हूँ, नहीं, मुझे ज़रूरत जितनी है मैं उतना लेता हूँ। तो भोजन को पचाने के लिए अगर आपने जीवन का अमूल्य समय दिया कि अब खाना खा लिया, अब 1 घंटा कमर सीधी कर लूँ, तो इसका मतलब यह है कि आपने परमात्मा के साथ अन्याय किया है और आप अपने सिस्टम के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, तो उससे आप बचिएगा। हल्का भोजन लीजिएगा, रात्रि को लेट भोजन की आप परंपरा से बचिए। मुझे तकलीफ होती है देख करके कि हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे वकील हैं, हमारे उद्योगपति हैं, रात को ही ज़्यादातर इनकी मीटिंग्स होती हैं और फिर रात को 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक उनका खान पान, और वो खान पान भी रिकमेंडेबल नहीं होता है जो वो लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि उससे उनके स्वास्थ्य को कोई लाभ नहीं होता, वो केवल शुगर है और केवल ये सोच के भाई फॉर कंपनी से, तो अपने जीवन को कंपनी से एक दांव पर मत लगाइएगा। मैं आपसे बहुत सारी बातें मैंने कहा कि कर सकता हूँ, विषय इस तरह का है कि लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि क्लास इंटरेक्टिव हो तो अच्छा है। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है और आप प्रश्न करें, ये 3 काम तो जरूर जरूर करिए जो आपको बता दिए गए हैं। कि पहली चीज़ है कि अपने आप को देखने के लिए थोड़ी देर बैठना सीखें, उसमें अपने आप देखो, मेडिटेशन जो है वो कभी भी सिखाई नहीं जा सकती, ठीक ऐसे ही जैसे बीज को हम पेड़ नहीं बना सकते हैं, हम एक प्रोसेस देते हैं, उस प्रोसेस में जो मैंने आपको सिर्फ बैठने का प्रोसेस दिया वहीं से शुरू कर सकता हूँ। आपने प्रोसेस किया कि सही समय पर, सही मौसम पे, सही मिट्टी में, सही मिट्टी में बीज डाल दो, फिर भूल जाओ उसको 20-21 दिन के लिए, वो अपने आप धरती का सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही आप प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा, अपने आप जो है वो चीजें खुलती चली जाएंगी, और ये चक्रव्यूह है जीवन का जिसमें एक से एक द्वार खुद खुलता चला जाता है, और रियलाइजेशन से बड़ा ज्ञान कोई नहीं होता है। जो चीज़ अनुभव में आती है, जो कानून भी क्या है आप लोग जानते हैं कि दिस इज ऑल कॉमन सेंस, कि जो कॉमन सेंस से हम बाहर निकल आए थे तो उसको हमें फिर लिखित में व्याख्या देनी पड़ी, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस, कि हम प्राकृतिक रूप में किसी के साथ अन्याय ना हो, ये उसका आधार है। उसके लिए फिर हमने तरह तरह के निकाले, ये गड़बड़ करेगा तो ये सजा, ये गड़बड़ करेगा तो ये सजा, ऐसे। तो इसी तरह से अध्यात्म में योग में बना दिया गया
कि किस चीज में वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस कर देते हैं कि गुरुजी ने कहा है इसलिए ना करना होगा। तो आप पहले जब बात है बैठने का शुरुआत करिएगा, दूसरी अपने आप खुलेंगे। दूसरी बात है कि सूर्य के सामने जाने का आदत बना लीजिएगा कि सूर्य को उगती है, उगते हुए सूर्य को मैंने जरूर देखना है। फिर आप देखिए क्या डायनेमिक चेंज आता है आपके व्यक्तित्व के अंदर। और तीसरी चीज मैंने बताई कि भोजन में अति नहीं, अपने लिए भोजन है, मेरे लिए भोजन है, अगर मुझे जरूरत नहीं है तो नहीं, ताला मैं खोलूंगा ही नहीं। आपने संभवतः यहाँ के सहारनपुर के लोग होंगे तो उन्होंने मुझे देखा होगा, मुझे कहीं मैं जाता हूँ कार्यक्रमों में भी जाता हूँ, ब्याह शादी पार्टी, मेरा मुंह नहीं खोलता है। इसलिए नहीं कि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और आदमी का भोजन क्यों खराब करूँ मैं, क्यों उस आदमी की जिसके यहाँ खाना मैं गया हूँ कार्यक्रम में 400 रुपए की प्लेट क्यों उसकी खराब करूँ जबकि मुझे जरूरत भी नहीं है। तो ये मेरा एक न्याय है मेरे साथ। तो ऐसे इस न्याय को आप ले सकते हैं कि हम अति भोजी नहीं होंगे और असमय भोजी भी नहीं, ऋतभुक हितभुक मितभुक, कि हम जो मौसम के अनुसार है वो आहार लें, और हितभुक जो मेरे लिए हितैषी है वो आहार लें, और मितभुक यानी लिमिटेड मात्रा में मैं भोजन लूँ, बस फिर तो काम ठीक हो जाएगा। ये स्ट्रेस विस्ट्रेस तो सब भाग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई बात जो पूछना चाहें मैं उनका स्वागत करता हूँ, जितना मुझे थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक है मैं उसको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो प्रवचन था, प्रवचन क्या था, ये तो रूटीन की ऐसी साधारण बातें थी और जो आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताई, लेकिन मेरा मन तो भरा नहीं उसे। तो फिर भी देखते हैं, कुछ लोगों ने एक प्रश्न उठाया है क्या, हमें एक बीच में प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। के सिंगला जी हमारे साथ पटियाला से, इन्होंने हैंड रेस किया है। सिंगला जी स्वामी जी के चरणों में स्पर्श और कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी मैं थोड़ी सी ये बात पूछना चाहता हूँ, मेरी आयु है 66 वर्ष है। जब हम शहर के लिए जाते हैं धूप में खड़े होते हैं, तो जैसे आपने ब्रीदिंग के बारे में बताया, तो हम खड़े होकर ब्रीदिंग कर सकते हैं या बैठ के ही करनी चाहिए? देखिए ब्रीदिंग तो आपको जब तक जिंदा रहेंगे करनी ही पड़ेगी, चाहे आप खड़े होके करके करें, बैठ के करें, बाथरूम में करें, टॉयलेट में करें, ऑफिस में करें, कोर्ट में करें, ब्रीदिंग तो होगी। लेकिन जब हम ट्रेनिंग में होते हैं यानी योग का जब हम अभ्यास करते हैं, तो फिर उसमें एक प्रोसेस है। सूर्य खड़े होकर के आप जब ब्रीदिंग करते हैं तो उस समय में आपकी नेवल उतनी रिलैक्स्ड नहीं होती है जितनी जरूरत है जी। और आप अनुभव करके देखिएगा कि जब आप सीधे लेटे हुए हैं उस समय भी आपकी नेवल उतनी रिलैक्स नहीं होती है जितनी आप बैठे हुए में होते हैं। इसीलिए आप डॉक्टर साहब से अपना चेकअप कराने जाएं, पुराने जमाने के डॉक्टर का ध्यान करिए, जब आप छोटे थे तो आपको लिटा करके कहते थे पैर मोड़ लो, ठीक है, पैर मोड़ करके तब वो आपकी नाभि को चेक करते थे जिस समय नाभि परफेक्टली रिलैक्स है। तो इसीलिए वज्रासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे। अगर आप वो आसन नहीं लगा सकते हैं आप, क्योंकि अब इस समय स्टार्ट का समय नहीं, इस समय तो इस वो है जिसमें जो हम इस समय का एसेंस ले लें, तो रेगुलर बैठे, भले घुटने मोड़ के बैठ सकते हैं तो वैसे बैठे, वो सब ज्यादा जी वो अधिक लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब। अब आप जुड़ना चाह रहे हैं धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी जी। धर्मेंद्र जी पहले तो बताइए आप है कहाँ, आपका शहर भी लिखा हुआ सभी जी। गोरखपुर से नमन दंडवत हमारे अहोभाग है कि आज आपसे आपका दर्शन हो गया। एक कहा भी गया है मानस में कि जब जब ऊपर वाला चाहता है तभी तभी आपका दर्शन होता है। इसका लग रहा है कि हमारे ऊपर आज कृपा है, अचानक मैं कनेक्ट हुआ और आपका दर्शन मिला और मैं बहुत अद्भुत हो गया। और मैं यही चाहता हूं सर कि गुरुजी मन को शांत करना, जब भी मैं अनाद योग करता हूं या बैठता हूं, ये लाइन मैंने पढ़ी अभी कि मन को कैसे शांत करें
जी इसका सबसे पहला तो जो एक लेमेन आंसर है वो है कि उसके सामने ए लगा दे, मन के सामने यानी उससे पहले अ लगा दें तो अमन हो जाए, है ना। तो इसको ही हम, आप तो गोरखपीठ से हैं तो जब अमन का रास्ता ध्यान जी, जब स्वाध्याय जी, तो और अब जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, देखो महत्वाकांक्षा को भी व्याख्या करनी पड़ती है, यानी महत्वाकांक्षा है कि हम आकांक्षा को महत्व दें, और एक ये है कि हमारी जो आवाज नहीं आ रही सर, देख रहा हूँ मैं कुछ देख। सर आवाज नहीं आ रही, एक बार ट्राई करो। हमको वर्तमान का जो आंसू छोड़ना है तो ये इसमें एकमात्र तरीका है और सबसे आसान तरीका है कि ए लगा करके रखना है मन के आगे, मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो चित्ते चलति संसारो निश्चले योग उच्यते। तो उसको चलायमान जितना कर देंगे उतना हम दुनिया में कामयाब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने को खो करके होंगे। उसको एमन कर देंगे, यानी टू वेसल व्हीकल है, ये ऐसा बर्तन है जिसमें दो तरफ रास्ते हैं, टू डोर व्हीकल, तो इधर से खोले तो शांति है, आनंद है, और इधर का रास्ता खुल जाए जगत का तो तनाव और कुंठा है। धन्यवाद स्वामी जी। इसके बाद हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं अग्रवाल जी, विश्वनाथ जी। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आज कुछ साउंड में कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है शायद, थोड़ा सा माइक के पास आके लोग बोलेंगे और तो बेटर रहेगा। स्वामी जी आपके यहाँ से भी थोड़ा सा लग रहा है कि इको आ रहा है आपके यहाँ से, कॉल्स बीच बीच में आ रही है ना, छोटा सा प्रश्न था कि हम लोग डेली का अपना एक रूटीन बनाते हैं, हम बहुत अच्छे से उसको डेली चेंजेस भी करते चले जाते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाते हैं। जब माइंड जैसे अभी आज आपका विचार सुना तो अभी मैं जो रूटीन बनाऊंगा बहुत परफेक्ट रूटीन बनाऊंगा, लेकिन जब उसको एप्लीकेशन का एक्शन का समय आता है तब उस समय स्ट्रिक्ट नहीं रह पाता, इसलिए मार्गदर्शन है। बचपन में मेरे पूज्य पिताजी कहा करते थे कि अगर कुछ बनने की इच्छा करनी है तो ये मत सोचो कि मैं प्रभारी बनना चाहता हूं, ये सोचो कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, ये मत सोचो कि मुझको चाकू रखने का लाइसेंस लेना है, सोप का लाइसेंस मांगो, तो हमें जो कुछ मिलेगा उसी रेशो में अच्छा मिलेगा। तो इसलिए फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, ऑल मैन स्ट्राइव बट हु सक्सीड्स, मतलब ये कि हम जितना योजना बनाई उतना नहीं पा पाए ये कोई अफसोस की चीज नहीं है। अफसोस की चीज ये है कि हमने ना योजना बनाई ना हमने चलने की कोशिश की। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, साधना पथ पर हम चल रहे हैं, इससे बड़ा अभिनंदनीय प्रयास कुछ नहीं होता है। मान लें मैं, आप देखें ना, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले जब आप साइकिल पे पूरा जोर हैंडल पे लगा के रखते हैं और कैंची चलाना सीखते हैं या जैसे भी, तो वो असली टफ काम है जिसमें गिरने का डर है, जिसमें टकराने का डर है। लेकिन जब आप साइकिल चलानी आ गई तो आप तो पैडल मारना भी छोड़ दे तो काफी देर तक तो बिना पैडल मारे भी चलती रहती है। तो ऐसे ही अगर आप इनिशियल स्टेज पर साहस करते हैं वही हमारे लिए सबसे अभिनंदनीय होता है। तो आप योजना बनाइए, जैसे आपने कहा इस समय माहौल बन गया, माहौल बनना अपना प्रोग्राम बनाइए, उसको चलना शुरू कर दीजिए। चलना शुरू करेंगे निश्चित रूप से
आपका जो आने वाला कल है वो आज से बेहतर होगा। योग साधना में हमारा प्रतियोगिता किसी से नहीं होती है, हमारी प्रतियोगिता सिर्फ अपने साथ होती है कि मैं इस संवाद से पहले मैं कैसा था और इसके बाद मजा आ गया और अब मैंने शुरू कर दिया है। पहले तो मैं सुबह 8 बजे तक नहीं उठता था, अब कम से कम मैं 6 बजे 5 बजे उठता तो हूं, तो आई एम बेटर। तो इस तरीके से अपने आप को कम्पीट करिए। चलिए धन्यवाद। अगला प्रश्न है संतोष कुमार गुप्ता जी का। संतोष जी आइए प्लीज। जी स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मैं आपसे ये स्वामी जी मैं जानना चाहता था कि जो हम लोगों का मानव जीवन है तो वो सुख और दुख दो के उस पे चलता रहता है, उसी से मन शांत हो जाता है, तो ऐसा कोई उपाय बताएं कि हम लोग अपने मन को नियंत्रित कर ले ताकि तनाव से हमेशा दूर रहे। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि सुख और दुख से मन अशांत नहीं होता, मन का चरित्र है ये। दर्शन कहता है कि तत् संकल्पकम् मनः, मन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही इस बात के लिए है कि ये उथल पुथल करता ही है। संकल्प विकल्प करना इसका धर्म है, अगर वो नहीं करेगा तो फिर तो आपका हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। इसमें स्वामी जी आपका माइक अनम्यूट हो गया है। वाइस प्रॉब्लम कर रहा है। एक सेकंड स्वामी जी आपका जरा स्वामी जी शायद आपको उधर से माइक अनम्यूट करना पड़े। नहीं सुख दुख की मिचौली हो खोले जीवन अपना मुख, ये जो है सुख यही वो चीज है जो हमको चिंतन के लिए प्रेरित करती है, यही वो चीज है जो हमको शांत रहने का सम रहने का रास्ता देती है। कबीर भी तो यही कह रहे हैं कि दो पटन के बीच में साबत रचाना कोई, और माने से जो लग रहा बाल न बीका होए, कि हम साधना से जुड़े, अपने जो मूल है दूरी है उसके साथ जुड़े रहें और चक्की के पाठ तो चलते ही रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। धन्यवाद स्वामी जी। ये थे संतोष कुमार गुप्ता जी कानपुर से, और अब हमारे साथ आ रहे हैं विशाल अग्रवाल हापुड़ से। विशाल जी अपना प्रश्न पूछिएगा। जी सर। हाँ गुरु जी प्रणाम। आवाज पहुंच रही सर? आ रही आ रही। गुरु जी साधारण स्पर्श चरण स्पर्श करता हूँ सबसे प्रथम पहले तो आपको। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो बहुत शांत मन के साथ बैठते हैं, परंतु जब हम क्लाइंट्स के साथ व्यवहार करते हैं तो कुछ क्लाइंट ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि मन को वो अशांत कर देते हैं, हमें असहज स्थिति में पहुंचा देते हैं, तो उस समय हम अपने आप को किस तरह से नियंत्रित करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए तालाब में, तालाब देखा कभी आपने? नेचुरल तालाब देखा होगा ना, तो तालाब में इतना शांति होती है कि नीचे जो उसकी पेंदी में वनस्पति है वो तक दिखाई देती है जी, मछली दिखाई देती है, लेकिन कोई बच्चा आके कंकड़ मार दे उसमें जी, तो उसकी सारी शांति एक कंकड़ से भंग हो जाती है। आपको इंतजार करनी पड़ती है, इंतजार के ये शांत देखो बनी हुई है तरंगे वो दूर तक फैलती जाएंगी और वो दोबारा से शांत हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इंतजार के आप तो वकील हैं प्रोफेशन से, जजेस को भी ये करना पड़ता है उनकी ट्रेनिंग जब चलती है कि वो अच्छे श्रोता बने। जिस समय कोई ऐसी प्रतिक्रिया हुई है तो उस समय हमारी क्योंकि जो मैं देखो ना परीक्षा ही तो परीक्षा के बिना तो सभी पास हैं, तो हम कितना धैर्यवान हैं इस बात का पता परीक्षा में हमको चलता है, तो
तो उस समय में हमें देखना है कि ये व्यक्ति मुझे विचलित ना कर सके, बल्कि कई बार तो ऐसी परीक्षा अपने घर से सोच के जाओ कि आज जो है फलां आदमी आएगा तो मैं देखता हूँ कितनी देर शांत रह पाता हूँ। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कोई हमें शांत कर दे तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कोई हमें अशांत कर दे, तो कोई ना तो हमें, ईमानदारी की बात यह है, ना तो हमें शांत कर सकता है ना हमें कोई अशांत कर सकता है। तत्त्वम असि, वो तुम ही हो, शांत रहना है या अशांत रहना है, चॉइस इज योर्स। आपको देखना है कि मुझे क्या चॉइस मेरी है। बहुत बार कारहिम हरि को घट्यो जो भ्रगु मारी लात, उसे पता है कि ये तो उत्पाती है, अगर ये ऐसा ना होता तो इतना परेशानी क्यों होता, तो लात मारनी है तो मैं अपने चरित्र से कैसे गिर जाऊं, बस हम शांति रह जाएंगे। अक्सर हम सोचने का अवसर नहीं ले पाते और जड़ से प्रतिक्रिया हो जाते हैं, तब ऐसी परिस्थिति। धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न आ रहा है अशोक कुमार सिंह, एडवोकेट मऊ से। अशोक जी इधर से, मैंने अनम्यूट किया है आपको। अशोक जी आपका आवाज आ पा रही है क्या? नहीं, सॉरी अशोक जी आपका नहीं है। अगला प्रश्न है कृष्ण कुमार जी का गाजियाबाद से। आप आइए अशोक जी, दोबारा ट्राई कीजिए हैंड रेज करके। कृष्ण कुमार जी गाजियाबाद से। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी जी स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, कृष्ण कुमार जी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी मेरा प्रश्न यह है कि जब हम स्वामी जी मेरा प्रश्न यह है कि जब हम किसी अथॉरिटी के पास कोई भी अपना केस लेकर जाते हैं तो उस समय क्या है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, जबकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम उनको वापिक रूप से जानते हैं तो ये ऐसा नहीं, हम इसको ओवरकम कर लेंगे, लेकिन शुरू में ही ऐसा कुछ ऐसा होने लगता है कि जैसे पता नहीं क्या चीज है, तो ऐसा क्यों होता है, जबकि बाद में थोड़ी देर में फिर हम सहज हो जाते हैं। तो शुरू क्या है कि मैं आदमी ओवरकम उस स्थिति में होता है कि अपने आप को कहीं, वो पेशेंस वाली बात है, या तो आपका धैर्य चला गया या आपने बनाए रखा, तो उस समय ऐसा क्यों होता है स्वामी जी? देखिए दो कारण होते हैं। पहला कारण तो कई सामान्यतया ये होता है कि हमारा एनर्जी लेवल कई बार कम होता है, तो उस समय में ऐसी परिस्थिति हमें फेस करनी पड़ती है। तो आप ध्यान करिए कि जब आप छोटे थे आपको पढ़ने के लिए एग्जाम के लिए स्कूल भेजा जाता था तो स्पेशली आपकी माँ आपको शहद चटा करके भेजती थी। जी जी जी। घरों में नहीं होता था तो उनको दही और लड्डू या दही और गुड़ देख करके भेजा जाता था। उद्देश्य क्या होता था कि जिस समय चैलेंजिंग सिचुएशन है, चाहे वो आपको कोर्ट में अपने ऑफिसर के सामने पेश होना है या आपको पब्लिक जो गैदरिंग है उसमें आपको जाना है, तो आपको एडवर्सिटी को फेस करने के लिए, यहाँ तक कि मौसम में भी हम जब चेंज की तरफ जाते हैं तो हमें सरप्लस पावर की जरूरत होती है। तो सरप्लस पावर का कांस्टेंट, जिसको हम कहें इंस्टेंट पावर, तो उसके लिए हमारे शास्त्रीय विधान में ये दिया है कि आप एक चम्मच शहद जो है लेकर के तब अपने उस काम को करने के लिए जाइए, तो आपके पास दूसरे वाले से ज्यादा एनर्जी तो वैसे ही आ जाएगी। दूसरे फिर ये होता है कि योग में बहुत सी चीजें गूढ़ से, मतलब इसमें कहते हैं कि जो स्वरोदय विज्ञान है, स्वर विज्ञान कहलाता है वो, स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, स्वर ज्ञानात परम गुह्यम, नवा दृष्टम नवा श्रुतम। तो उसमें आपका अगर सूर्य चक्र चलता हुआ होगा, यानी प्राणिक फ्लो जो है अगर सूर्य चक्र में आपका है, तो आप मतलब जिन्हों कहें कि जैसे शब्द ऑफेंसिव मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जहां बढ़ चढ़ के काम करने की जरूरत हो या बल्कि आपको प्रतिरोध करने की जरूरत हो, तो वहां पर सूर्य चक्र में प्राण का प्रवाह आपको सहयोग करता है। तो सूर्य नमस्कार करने से सूर्य चक्र का संचालन हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सूर्य को
मेडिटेशन भी कहा है, और अगर सूर्य नमस्कार भी कर सकें तो बल्ले बल्ले कमाल ही है। लेकिन सूर्य नमस्कार भी केवल उसको ये ना सोचें कि हमने इस तरह से स्टेप लेने हैं, उनमें उसको भी किसी अच्छे अनुभव अगर सीखें तो आप सही से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे 24 की 24 वर्टिब्राज का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें हमारे तीनों स्वरों का इन्वॉल्वमेंट है, और उसमें विशेष रूप से मतलब स्टेप्स का अंतर पड़ जाता है कि किस स्टेप से करेंगे तो कौन से स्वर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये स्वामी जी एक सवाल, अगर एक सवाल हो रहा है मेरा, जी 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 शहद क्या करेंगे स्वामी जी? शहद, शहद एक चम्मच। अच्छा 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 जी 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 अच्छा। और सूर्य का दर्शन और सूर्य नमस्कार। नमस्कार। एक सवाल और है कि जैसे कि आपने सुबह बताया है स्वामी जी, एक सवाल और है मेरा कि जैसे आपने सुबह बताया कि कुछ टाइम आप बैठिए 10 मिनट के लिए, तो उस समय हमें कौन से भाव में बैठना है, साक्षी भाव में बैठना है या सांसों पर या ब्रीथिंग पर ध्यान देना है, तो वो एक्चुअल में कौन सा रूप में बैठना है? क्योंकि कई बार क्या है कि सांसों पर ध्यान देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक गति में चले, कभी साक्षी भाव में देखते हैं तो वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, दूसरा विचार आकर उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मैं कौन सा। आपके बहाने से सभी को इस बात का फायदा मिल, आपके बहाने से सभी को इस बात का फायदा मिल जाएगा कि मन एक समय में एक काम ही करता है, ये आपके मन की करेक्टरिस्टिक है, हर किसी के मन की हम, लेकिन वो इतना तेज गति से काम करता है कि हमें लगता है कि ये बहुत चंचल है और हमें चैन नहीं लेने दे रहा है। जबकि हमें अगर हम उसको एक जगह, जैसे अभी मैंने सांस की बात कही, तो अगर हम उसे सांस के साथ जोड़ करके बैठते हैं तो साक्षी भाव जो है वहां आप स्वतः पहुंच जाएंगे। क्योंकि साक्षी किसको कहते हैं? साक्षी उसको कहते हैं, आप तो कोर्ट के आदमी हैं, दो साक्षी के दस्तखत कराने पड़ते हैं, कई बार एक साक्षी की जरूरत करने पड़ते हैं कि मैं इसका जो है क्या बोलते हैं साक्षी को अंग्रेजी में, है ना, कि गवाह उर्दू में कह देते हैं उसको, है ना, तो साक्षी कि मैं जो हो रहा है वो तो हो रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूं। तो ये भाव लाने के लिए भी बाकी सभी भावों का शमन होना जरूरी है। उसके लिए जो बताया कि संकीर्तन है, जप है, या उसके लिए श्वासों की डोर के साथ ध्यान है, और या फिर कुछ भी नहीं है तो केवल इस भाव से बैठे कि मैं करूंगा कुछ नहीं और जो हो रहा है उसे होने दो, इसको मैं सिर्फ देखूंगा एक घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के लिए वो जो देखने का अभ्यास है वो वहां पहुंचा देगा। सांस के साथ चलना थोड़ा सा आसान हो जाता है उससे, क्योंकि आपने मन को एक काम पे लगाया सांस पे, तो बाकी चीजें जो है सस्पेंड हो जाएंगी और आपका स्वतः मानसिक शांति भी होगी, श्वास की जो दीर्घ प्राणता है वो भी बढ़ेगी, आपका जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी बढ़ेगी, और जो ग्लो है आपका आभा मंडल है वो भी बढ़ेगा। बहुत सारे फायदे हैं, करो तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इससे पहले अगला प्रश्न ले, मैं निवेदन करना चाहूंगा जो लोग प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वो चैट बॉक्स की बजाय पार्टिसिपेंट्स में आके अपना हैंड रेस करें, आइकन है हैंड रेस करने का इस प्रकार का नीले रंग का, उस पर क्लिक करें तो लेना आसान होगा, और साथ में अपना वीडियो जरूर रखें। तो अब मैं अगला प्रश्न आ रहा है स्वामी जी, समय है कुछ हमारे पास अभी? मैं यही कह रहा हूँ कि मैं 5:30 बजे आऊंगा क्योंकि निकलना पड़ेगा। अरे आपको अवश्य से पहले फ्री कर देते, और आखिर के दो एक क्वेश्चन। तो प्रभात कुमार जी है मैं ये जानना चाहता था, सूर्य के सामने हमें जो बैठना है सवेरे के नंबर में, बहुत सारे निवास स्थानों की पोजीशन ये होती है कि उनके निवास स्थान में सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, तो क्या उन लोगों को मैदान में बाहर जाकर सूर्य के सामने बैठना है, या क्या इसका दूसरा रूप हो सकता है? देखिए ऐसे ना कि जहाँ बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल बंदी गृह में ही बैठे हैं, तो हम केवल ये करते हैं कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा की दिशा है। क्योंकि आप अगर विज्ञान के विद्यार्थी रहे हों या हों,
तो आप देखते हैं कि दिशाओं के भी अपने प्रभाव होते हैं। एक तरफ उत्तरी ध्रुव का अलग प्रभाव है, दक्षिणी ध्रुव का अलग प्रभाव है, ऐसे ही अस्ताचल की ओर का प्रभाव अलग है, उदयाचल की ओर का प्रभाव अलग है। तो जितने हमारे देव स्थान भी हैं, है ना, तो वो भी इस तरीके से बने हुए होते हैं कि उनका मुख जो है वो पश्चिम की ओर होगा और जब आप बैठेंगे आपका मुख पूर्व की ओर होगा, क्योंकि दिव्य शक्तियां जो है वो सारी की सारी पूर्व से उदय उनको माना जाता है, क्योंकि दिव्यत्व है वहां पर। तो पूर्व अगर साक्षात हो, क्योंकि सूर्य को साक्षात देवता कहा गया है, नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः, मैं प्रत्यक्ष देवता क्योंकि सूर्य है, बाकी का नाम सुना है, इंद्र का मिले नहीं हम कभी उनसे, लेकिन सूर्य से तो प्रतिदिन मिलने का मौका मिल सकता है, तो उनकी ओर हम डायरेक्ट ही उनका दर्शन करें, वो ज्यादा हमको लाभ देता है और उसका लाभ हाथों हाथ पता भी चलता है, उसका नुकसान भी हाथों हाथ पता चलता है। आप अधिक देर जो है तप्त सूर्य में बैठे दोपहर में तो आपके त्वचा का जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसका रंग कुछ और हो जाएगा, बाकी का रंग कुछ और हो जाएगा। तो लेकिन जहां ऐसा संभव नहीं है वहां पर आप बंद कमरे में बैठते हैं तो भी सूर्य की ओर अभिमुख होकर के बैठिएगा, आप प्रत्यक्ष से तो वंचित रहेंगे लेकिन आप जो है अप्रत्यक्ष का लाभ तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि ऊर्जा तो आएगी उधर से ही, चाहे वो चली है पूर्व से और आपका दरवाजा उत्तर की तरफ है तो उत्तर के दरवाजे से आएगी, लेकिन वो उतनी डायरेक्ट आपको नहीं मिल पाएगी, उसकी फोर्स कम हो जाएगी। धन्यवाद सुरुदीन। अगला प्रश्न है नवीन जैन बिलासपुर जी से, बिलासपुर से। नवीन जी का शॉर्ट क्वेश्चन था, फिर और लोग गुरु जी प्रणाम। मुझे ये पूछा जा रहा हूँ कि आसन के अंदर जब हम जाते हैं तो सांस लेते हैं, उसके बाद आसन से जब आते हैं सांस छोड़ते हैं, जब आसन में जब रहेंगे हम तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सांस रोके रखनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए उस समय? जब आप आसन की स्थिति में हैं जी, देखिए ये एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर, मतलब कहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से आसन ऐसे हैं हमें कुछ अभ्यासों के लिए जिन बच्चों की हमें दीर्घ प्राणता विकसित करनी है, यूथ है, तो वो हम कुंभक करके अभ्यास ज्यादा कराते हैं। कुछ अभ्यास ऐसे हैं अब क्योंकि इनको जनरलाइज नहीं कर सकते, अब सपोज मत्स्य आसन है या सर्प आसन है, ठीक है, तो इनको अगर एक कार्डिक पेशेंट है जिसको हृदय रोग है तो उसको अगर मैं कहूँ कि तो सांस भर के रोक भैया, तो बदल वो वहीं पर इतिश्री हो जाएगी उसकी। कोई अस्थमा का पेशेंट है उनको हम कहें कि इस आसन को सांस भर के करना चाहिए, तो ये इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। यहीं पर अगर ऐसा हो जाता कि हम बता देते आप झट से कर लेते, फिर तो गुरु जी को अगले दिन कोई पूछता ही ना। गुरु जी ये तो वकील ही है जो टेलीफोन पर अच्छा एडवाइस दे देते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। अगला प्रश्न है देवेंद्र सिंह कुंडीर का, सरसावा सहारनपुर से। देवेंद्र जी आप तो पड़ोस में आते, घर जाकर पूछ लेते। आइए देवेंद्र जी, आपके माइक अनम्यूट कर रहे हैं। आइए देवेंद्र जी। हेलो, हेलो, आप आ रहे जी? जी, गुरु जी के चरणों में सादर वंदन जी। जी गुरु जी, मैं एक बात पूछना चाहता था आपसे। जैसे कि मैं सुबह लगभग करीब आधा घंटे के लिए मतलब एक परमात्मा का ध्यान करने की कोशिश करता हूँ रोज सुबह, तो लगभग आधा घंटा, तो गुरु जी उस समय मैं मतलब ध्यान लगाता तो मुझे अपने जीवन में हुई स्थिति है, चाहे वो काम से संबंधित है चाहे वैसे संबंधित है, तो वो मतलब ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा मुझे, तो इसका कुछ समाधान खराब है। आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पाई मुझ तक, मैं बात समझ नहीं पाया, आपकी वाक्य पूरे नहीं आए आपके मुझे। इनकी आवाज और सिग्नल में प्रॉब्लम थी। पुटिन जी आप तो वैसे पड़ोस में है, आप किसी दिन आगे गुरु जी के दर्शन करके वही पूछिए का साथ में। आपका कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम थी। लखनऊ से आ रहे हैं अरुण प्रकाश मिश्रा जी। अरुण जी आप प्रश्न पूछिए शॉर्ट में प्लीज। गुरु जी प्रणाम, सच सच नमन प्रणाम।
गुरु जी ये पूछना था, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और करीब 2-2.5 घंटे पूजा में रहता हूँ, उसके बाद मन बिल्कुल शांत रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुनः मैं रात 2 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, मैं 4 घंटे कुल सोता हूँ, क्या जरूरी है इससे ज्यादा सोना? इसे बोलिए गुरु जी, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और 2-2.5 घंटे अपना ध्यान में रहता हूँ, ध्यान में रहने के बाद मैं दिन भर खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रात में 2 बजे सोने जाता हूँ, 2 बजे से 6 बजे तक सोता हूँ, 4 घंटे चलिए, क्या 4 घंटे से? और ये मेरी दिनचर्या करीब 50-55 साल से चल रही है, मैं 66 साल का हो गया हूँ, करीब 10-12 साल प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जी, के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है जी। आप अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि आप योगमय जीवन जीते हैं तो आपको सोने पे अधिक समय नहीं लगाना पड़ता है। ये जरूरी नहीं होता कि हमने अगर 8 घंटे लिखा कि 8 घंटे सोना है तो 8 घंटे लेटना ही लेटना है, कोई जरूरी इतना का जो संबंध है वो हमारे इस सिस्टम से है कि हम कितना विश्राम कम से कम समय में कर सकते हैं। जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, जो लोग शव आसन का अभ्यास करते हैं, तो वो 20 मिनट के शवासन में 5 घंटे की नींद का आराम ले सकते हैं, तो उन्हें ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है। आपको अगर 4 घंटे की नींद में काम चलता है तो बहुत बढ़िया है, ये मत सोचें कि ये कोई कमी है, ये तो वरदान है आपके लिए, बहुत अच्छा है, बधाई। धन्यवाद गुरु जी। बस अंतिम क्वेश्चन है ये हम लेंगे इसे मनोज जी से, मनोज जी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेगा, अंतिम क्वेश्चन है ये। स्वामी जी प्रणाम जी। हरिओम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोरोना के स्ट्रेस से हम लोग कब निकलेंगे और इससे निकलने का क्या उपाय है? कोरोना के स्ट्रेस से अगर आप निकले हुए ना होते तो आप ऐसे खिलखिला के हंसी नहीं सकते थे। ये केवल याद दिलाने के लिए कुदरत ने किया है कि भाई जो नियम सिद्धांत जीने के आपको बताए गए थे उनको भूलो मत, स्वच्छता का ध्यान रखिए, एकांत का आनंद लेना भूल गए हैं हम लोग, इसलिए आपको सारा इकट्ठा एकांत दिलवाना पड़ गया कि उन्होंने कहा कि अब इनको इकट्ठे 1.5 महीने के लिए 2 महीने के लिए एकांत दे दो, क्योंकि जीवन भर एकांत नहीं लिया है इन्होंने, तो अगर थोड़ा थोड़ा रोज करते रहें तो फिर इकट्ठा कुदरत ऐसा मौका नहीं देगी। तो हम समझें कि प्रकृति के संकेत को हमें सिर्फ समझना चाहिए और उसमें हानि कुछ नहीं है, इसका प्रसाद ये हुआ है कि भारतीय जीवन शैली को अब दुनिया ने समझना शुरू कर दिया है और दुनिया ने समझ लिया है कि शारीरिक दूरी का अर्थ क्या है, हाथ न मिलाने का अर्थ क्या है, हमारे जो खान पान के बारे में जो नियम मर्यादाएं हैं उनका अर्थ क्या है, शाकाहार का अर्थ क्या है, इसको अब दुनिया अच्छे से समझ रही है। तो कोरोना अभिशाप नहीं है, वरदान है, और हम तो सोचते हैं कि जब ये आपदा जिसको हम कह रहे हैं इसका समय निकल जाए उसके बाद भी आप लोग भी सहमत होंगे कि भले ही आर्थिक कमाई थोड़ी सी उस अवधि में कम हो जाए लेकिन साल में एक बार तो स्वैच्छिक कोरोना का जो ये बल्कि कोरोना फेस्टिवल हमें मनाना पड़ेगा आगे से कि भाई महीने साल में 15 दिन का क्वारंटाइन सब लोग करेंगे अपने घर में एकांतवास, और जिससे कि प्रकृति को भी थोड़ा सा रिफ्रेश होने का मौका मिलेगा। इसलिए हमेशा देखिए आध्यात्मिक जीवन का जो सबसे बड़ा प्रसाद है वो है सकारात्मकता, और सकारात्मकता अगर हमारे पास में है तो हम अभिशाप को भी वरदान में परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, उत्तर प्रदेश टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामना और उनके प्रति आभार ज्ञापन भी कि उनके माध्यम से ये जो कुछ मुझे पता है मैं आपकी सेवा कर सका। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पहले कार्यक्रम समाप्त करें 2-3 मिनट खोलेंगे सब चर्चाओं के, मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल जी से कि वो आए और जरा इसको समाप्त करें। अशोक जी। जी सर। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ गुरु जी, प्रश्न नहीं ले पाएंगे गुरु जी, क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं।
हम गुरु जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि गुरु जी के आगमन से हम लोग को बहुत बहुत ज्ञान मिला है और अध्यात्म के विषय में जानकारी मिली है। हम आप सब इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन बधाई देते हैं कि सभी लोग जो इसमें जुड़े हैं वह बधाई के पात्र हैं। गुरु जी को मैं साष्टांग करता हूं और निवेदन करता है कि जब कभी मौका मिलेगा सहारनपुर उड़ाने का तो आपका दर्शन अवश्य करेंगे और आपने जो समय दिया है यूपी टेक बार एसोसिएशन को हम उसके बहुत 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 आभारी हैं। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और अंत में मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केन राय साहब से कि आए और मीटिंग की क्लोजिंग रिमार्क्स दें और मीटिंग के समापन का घोषणा करें। राय साहब प्लीज। राय साहब आपका माइक में अभी कनेक्टेड थे, आज बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरविंद गुप्ता जी ये आप ही को काम करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी मैं हूँ। मैं तो हूँ। गुरु जी सादर आपका वंदन नमन अभिनंदन। आपने ऐसा ज्ञान दिया कि हम लोग उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और आपने सबसे बड़ी चीज जो ये बताई कि सब कुछ जो है वो मन ही है, इस पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। बहुत बहुत आभार धन्यवाद हम आप सारे साथियों की ओर से आपके प्रति नमन करते हुए वंदन करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं और आपके दर्शन के हम आकांक्षी हैं। जब भी कभी हम उस क्षेत्र में आएंगे आपका दर्शन हम अवश्य करेंगे। सादर प्रणाम। बैठक समाप्त की जाती है।